हेलो जी। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है। अब क्या क्या मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ दो भगने में जो मलाई आई हुई है, मलाई को निकालूंगी। ये सुबह का, कल का मतलब परसों का दूध बचा हुआ था, तो इसमें मलाई इकट्ठा हो गई है। पहले तो हम इसमें इसकी मलाई निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसकी मलाई हम निकालेंगे और सारे जो है दूध इकट्ठा करके गर्म मतलब करेंगे। गर्म करने के बाद हम एक पहले तो एक मटके में, मटके मतलब ये जो किसमें वो था, वो कुल्हड़, कुल्हड़ बड़ा वाला कुल्हड़, तो इसमें हम पहले दही जमाएंगे और फिर जो दूध शेष बचेगा तो उसको हम रख देंगे शाम को चाय बनाने के लिए। और क्या करना है मुझे, अगर और ज़्यादा बच जाएगा तो मैं दही वो हल्दी दूध गर्म कर लूँगी, उसमें यूज होएगा कि हो जाएगा, क्योंकि बिटिया रानी सुबह में रात में दूध उनका पीने का मन नहीं था तो वो भी नहीं पी हैं। और मैं जब तक मतलब देखिए, मैं कुछ देर निकाल कर रख दी ना मलाई को, तो मैंने सोचा कि ये टेम्परेचर इसका सही हो जाएगा, लेकिन हमारा जो फ्रिज है वो एकदम लो पे चलता है, ठंडा मौसम हो गया है, तो मलाई जो है फूट गई है, इकट्ठा नहीं है और निकल नहीं रही है। फिर भी हम जितने भी निकाल पाऊंगी उतना मलाई यहाँ से निकाल दूंगी। ये देखते हैं, तो आप लोगों से बात नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें व्यस्त थी और मैं सोची थी क्लियर इसका हम निकाल दें और इसमें ग्लास में भी जो भी मलाई है उसको भी हम निकालेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सारे बर्तनों का मलाई ये लोग निकाल रहे हैं। देखिए, बासी दूध था उसमें मिला दिए, निकाल रही हैं, इसलिए निकाल रही हैं क्योंकि मैं सारे मलाई निकालने के बाद घी बन जाएगा, घर का ही घी हो जाएगा। तो ये काम हमारा जो है ख़त्म हो गया है। अब इन सारे चीज़ों को हम ले चलते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी मलाई गिरी हुई है, ये देखिए, तो इसको मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। आप सोचेंगे तो मैं इसको जाके हाथ धो लूँगी, नो, ठंडी का मौसम है। तो ये देखिए, आम का आम गुठली होगा दाम ना। पहले तो आप लोग चलिए किचन में, फिर उसके बाद हम लेके आते हैं उसको, मलाई के भगोने को। तब तक आप थोड़ी सी ये लीजिए, उठ बेटा। और मैंने सारी दाल भी महक रहा है, दाल भी हमने डाल दिया है एक साइड। और आप सोचेंगे कि एक साइड अभी मलाई दूध का भगोना इधर उधर रख रही हैं, तो जो आज का दूध आया हुआ है और इसमें श्रेया पानी गर्माई भिगोई है, इसमें डाली हैं भुना जीरा और वो उसको क्या बोलते हैं सौंफ, तो मैं ये वाला दूध जो है इधर साइड में रख दूँगी। या तो फिर दाल भी हमारा पक चुका है तो हम इस साइड में इस भगोने को रख दूंगी दूसरे साइड में। अगर आपका किचन जो है छोटा है तो आप इस तरह का
ट्रिक जरूर अपना सकते हो अगर आपका किचन छोटा है तो। तो जैसे देखिए मैंने नीचे भगोने में दूध रखा है, ऊपर रख दिया है जाली, और जाली पे मैं क्या रखने वाली हूँ, ये क्या है, कुकर है। तो आप देख लीजिए जाली पे मैंने कुकर रख दिया है, ऐसा रखिए कि गिरे ना, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा और भी सही करना होगा, हो सकता है कहीं गिर जाए। तो ये देखिए मैंने बराबर कर दिया है, और अब यहाँ से लेती हूँ तवा। ये देखिए ये मेरा तवा निकला है, और तवा पे अब बनाऊंगी मैं रोटी। तो यहाँ पे हमने रख दिया तवा, और ये दही जो है ऊपर दही जमा दीजिए ना, उसकी ऊपर की लेयर जो है, पता नहीं क्यों ये ऐसा नहीं होता, बाकी सुबह दही जमाए शाम तक दही जम गया, उसके बाद ऊपर का जो लेयर है वो पीला पड़ने लगे, ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि बना लूँ बच्चों के लिए पराठा, और पराठा बनाने के बाद रोटी बना लूँ। तो पहले तो मैं रोटी बनाऊँगी, गैस मैंने ऑन कर दिया है, और रोटी के लिए, और मैंने यहाँ पे आटा रखा है। तो पहले मैं रोटी बना देती हूँ, फिर बच्चों के लिए मतलब नमक डालूंगी आटा में। ये जो मैं बता रही थी वो मतलब जिसका किचन छोटा है, जैसे मेरा भी किचन छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो उसके लिए है। एक बार आप लोग ट्राई जरूर करिए, ट्राई करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। देखिए मैं पोलोथिन यहाँ पे रख देती हूँ, और आवाज आई है। एक बार खाली पत्थर बता रहा है कि कितना आवाज आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है थोड़ा सा लो कर दिया है, और अब हम बनाएंगे रोटी। ये देखिए एकदम गोली गोली से रोटी बन चुकी है। सुबह का इस समय बज रहे हैं 7:50, ये टाइम है। तवा ने थोड़ा ज्यादा हीट हो गया था, तो एक मैंने रख दिया है तवा पे, दूसरा मैंने यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये रोटी जाएगी किसको, गाय को। पहली रोटी मैं गाय को खिलाऊंगी। आजकल मनमानी हो गई है, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है।
जानवर है ना, जानवर का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। हस्बैंड वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और क्या है सुबह आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार का ही ब्लॉग है जो कि आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने तवा रख दिया नीचे और अब रोटी में डाल दूँगी। तो देखिए अब रोटी देख लीजिए हो रही ना फूली फूली सी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए रोटी जो है सेक चुकी है, और फिर से मैं तवा को रख दूंगी। और यहाँ पर दो रोटी मैंने बनाया है, एक रोटी गाय का हो गया नीचे वाली, और अभी मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। सू सटाक से मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ, ठीक है। फिर नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ हम फिर मिलेंगे आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। बाय।